वो जी महाराज नहीं माने माने क्या समाज कर क्या रहा है, है? अरे बताइए इस देश को कि जब मुझ जैसे ईमानदार लोग दिन भर लोखंड की कुर्सियों में बैठ के अपनी पुठियां घिसते हैं और गोटे छिलवा लेते हैं ना, तब जाके इस देश में आयकर भरा जाता है और उसी आयकर से ये सरकारें इस देश का विकास करने की कोशिश करती हैं और उसी पैसे से इन सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है जो दिन भर इन दीवारों को घस घस के साफ करते हैं। मैंने समझ नहीं आया कुछ। ऐसा कौन सा 275 का पहाड़ा पूछ लिया मैंने? देखिए आपने आपने इस मुखयंत्र से इस सफाई की चमकदार दीवार पे जो लाल किला उकेरा है ना, उसे कृपया साफ कर दीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ इस दीवार पे नहीं थूका है बल्कि मेरे जैसे हर उस इंसान पे थूका है जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरता है। लो, इतनी सी बात, छोटू दे 50 रुपए, दीवार साफ कर दियो, खुश? चलो बड़ी कंबा। सेठ राकेश बिंदाल जी, कपड़ा व्यापारी, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर में 3 बड़े मॉल्स। पिछले ही वर्ष आपके मुनाफे में 40 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था, जिसमें से आपने सिर्फ 4 करोड़ रुपए इनकम टैक्स में दिखाए थे। देखिए अब मेरा मुंह और आपकी फाइल दोनों खुल चुकी है, लेकिन ये दीवार अगर आपने छोटू से साफ करा ली ना, तो मैं आपको वचन देता हूं मैं आपके इस काले धन का प्रचार पूरे देश में करूंगा, वो भी मुफ्त। और कल सुबह जो एयर इंडिया के विमान से आप लंदन जा रहे हैं ना, तो आप वहां न जाके भारत सरकार के विशेष वाहन द्वारा सीधे जेल पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे घपलाखोर और गंदगी दोनों से सख्त एलर्जी है। जयपुर के व्यापारी अनिल अमरेजा बने पेंटर, 65 लाख रुपए में बिकी पहली पेंटिंग। आप क्यों घबरा गए?